हे hey इस तो आज मैं आप लोगों को दिवाली वाले स्टॉक बताऊंगा केवल दो ही स्टॉक बताऊंगा जहां पर आप लोगों को लगभग मिनिमम की अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो 50 टू 60 परसेंट तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता 50 टू 60 परसेंट तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है ज़्यादातर आप लोगों को रेडी रहना है और देखिए इस दिवाली में थोड़ा कुछ अलग होने वाला है क्योंकि आप लोग को पता है कि कोविड 19 की वजह से बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जहां पर आप लोगों को केवल मतलब नुकसान देखने को मिला और नो सेलिब्रेशन था जिसके वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री में भी नुकसान देखने को मिला लेकिन अब वैसा नहीं है धीरे धीरे अब रिकवरी हो रही है मतलब आप अपने जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह के कुछ भी कर सकते हो धीरे धीरे तो यहां पर देख सकते हैं आपको बताया जा रहा है लगभग टॉप ट्वेल्व स्टॉक आपको बताया जा रहा है लेकिन होगा क्या कि अगर हम बहुत सारे स्टॉक खरीदते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा तो हम यहां पर क्या करेंगे मिनिमम स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां से हमें इफिशियंस रिटर्न मिलेगा मतलब सोच लीजिए अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा तो हम उसी स्टॉक पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहां पर ज़्यादा पोटेंशियल है प्रॉफिट के लिए और ये आपको बताया जा रहा है ट्वेंटी दिवाली के लिए थर्टी टू सिक्सटी तो हमने यहां पर केवल फिफ्टी टू सिक्सटी वाले को यहां पर हमने जो है चूज़ किया तो सबसे पहले नीचे जाइएगा तो कौन से स्टॉक को यहां पर बताया जा रहा भारतीय एयरटेल यहां पर देख सकते हैं और टारगेट भी आपको बताया जा रहा भारतीय एयरटेल देखिए करंट मार्केट प्राइस चल रहा है फोर फिफ्टी के आसपास टारगेट प्राइस बताया जा रहा है सेवन रुपीस के आसपास अपसाइड आपको बताया जा रहा फिफ्टी एट परसेंट के आसपास अब देखिए आपको तो पता ही है कि अभी जो भारतीय एयरटेल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखा रहा रिलेटेड टू जियो एंड वोडाफोन के जो क्वार्टर टू के नतीजे हैं तो एयरटेल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इस वजह से हम एयरटेल के ऊपर फोकस रखेंगे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि जियो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन जिसने अच्छा परफॉर्म किया है क्वार्टर टू के मामले में सही है अब इसके बाद से जो फेस्टिवल सीजन है अभी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट भी पड़ा हुआ है किसके एयरटेल और वोडाफोन के पीछे पड़ा हुआ है तो वोडाफोन को नुकसान हो सकता है लेकिन एयरटेल के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अपने आप को यहाँ से बाहर निकल सकता है जो गवर्नमेंट को जितना भी पेनल्टी वगैरह दिया गया था वो सब ये क्या कर सकता है पे कर सकता है धीरे धीरे लेकिन वोडाफोन आइडिया क्या होता है वो भी कर देगा लेकिन यहाँ पर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इस वजह से मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया को छोड़ के यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर नजर रखना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक में गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है अगर आप देखोगे तो देख लीजिए काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है और गिरावट से पहले अगर आप देखना चाहोगे तो यही वो स्टॉक था जहां पैसा बनते जा रहा था लगभग फोर हंड्रेड रुपीज का स्टॉक सिक्स हंड्रेड के ऊपर मतलब डेली दस परसेंट यह जाता था तो यह गिरावट हो चुकी है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब गिरावट हो चुकी है तभी मैं वीडियो ज्यादातर बनाता हूं कि भाई लोगों को इस स्टॉक पे नजर डे नजर से सही से देखे और प्रॉफिट भी बुक करे अच्छे तरीके से देखिए जो स्टॉक ऑलरेडी वीडियो चुका है मतलब खतरा बढ़ चुका है जो स्टॉक नीचे जा रहा है और नीचे से खरीदोगे तो और ज्यादा बेनिफिट मिलने का चांस है अब देखिए उसके बाद एक और स्टॉक है आईटीसी ये स्टॉक बिल्कुल नहीं चला बिल्कुल नहीं मतलब ये स्टॉक मान लीजिए कि बहुत बुरी तरीके से गिरावट देखने को मिला और नुकसान भी देखने को मिला अब ये स्टॉक लगभग करेंट मार्केट प्राइस 174 के आसपास है टारगेट प्राइस आपको बताया जा रहा है टू के आसपास अपसाइड आपको बताया जा रहा है लगभग फिफ्टी के आसपास देखिए अगर आपको टारगेट के साथ बताया जा रहा है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल है कि नहीं है अगर आपको टारगेट के साथ बताया जा रहा है अगर आप नोट कर लोगे तो ज्यादा गिरावट और ज्यादा परेशानी आपको भी नहीं हो पाएगा अब देखिए ये जो बिजनेस है इसका कुछ यूनिक पॉइंट भी है यूनिक पॉइंट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं देखिए अभी जितना भी सिगरेटो टैबैको का जो बिजनेस है वो ज्यादातर नहीं चल रहा सही है और ज़्यादातर लोग घर में भी हैं उसके वजह से भी सर्वाइव हो रहा है और ये बिजनेस केवल कोविड नाइन्टीन की वजह से ही नहीं नहीं इम्पैक्ट हुआ पहले से भी इंपैक्ट इसमें आपको देखने को मिल रहा अभी देखिएगा तो टू की बात की जा रही है टू की बात ले लेते हैं तो लगभग ये स्टॉक थ्री हंड्रेड के आसपास था थ्री फोर्टी के आसपास था और आज के डेट में ये स्टॉक कितने रुपीज़ में मिल रहा तो लगभग वन सेवेंटी थ्री रुपीज़ के आसपास मिल रहा और अगर आप इसका लाइफ टाइम हाई देखोगे तो ये स्टॉक को खरीदने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं इसके पीछे दो वजह है ये आपको पैसिव इनकम देता है पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है देखिए एक होता है एक्टिव इनकम एक होता है पैसिव इनकम एक्टिव इनकम का मतलब जब तक आप काम करते हो तब तक आपको पैसा मिलता है लेकिन जब आप काम करना बंद कर देते हो तो आपका पैसा भी बंद हो जाता है और पैसिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पैसा मिलता रहता है अब कैसे पैसिव इनकम देता है ये जो कंपनी है लगभग आपको सिक्स का डिविडेंड देती है सिक्स का डिविडेंड देती है सही है देखिए फेसबुल पर कैलकुलेट किया गया है उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर अगर आप एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओगे तो लगभग फोर ही आप परसेंट को फिक्स डिपॉजिट पर दिया जाएगा और लेकिन यह कंपनी आप लोग को लगभग सिक्स परसेंट से क्या हो गया पैसिव इनकम हो गया और जैसे कि मान लीजिए अगर आप लंबे समय चार पांच साल के लिए अगर पैसा लगा रहे तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने देखने को मिलेगा और स्टॉक कंटिन्यू केवल ऊपर ही ऊपर जाता है तो फर्स्ट टाइम पूरे लाइफ में फर्स्ट टाइम यह स्टॉक इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है यहां से यहां तक और दूसरी बात तो यह है कि यह स्टॉक यहां पर डबल बॉटम भी क्रिएट कर रहा है डबल बॉटम तो ये देखिए फर्स्ट टाइम स्टॉक ने यहाँ पर कई बार डबल बॉटम uh, ये किया डबल बॉटम के स्टौ, बाद स्टॉक काफी अच्छा प्रॉफिट गया था आप देखिए ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आपको डबल बॉटम क्रिएट करते दिखाई दे रहा है मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ये देखिए डबल बॉटम का मतलब ये देखिए फर्स्ट ये सेकेंड मतलब अब यहां से केवल ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा देखिए यहां पर भी ये जब डबल बॉटम बनाया था तो स्टॉक केवल ऊपर ही जा रहा था ऊपर ही जा रहा था तो जब भी कोई स्टॉक डबल बॉटम बनाता है तो स्टॉक केवल ऊपर ही जाता है ये तो आप लोग को पता ही होगा देखिए अगर आप टेक्निकली चार्ट के बारे में समझना चाहते हैं तो वो अगर आप डबल बॉटम सर्च मारिएगा इंटरनेट में तो आप लोग को बता दिया जाएगा पूरी तरीके से तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार रिकवर होने की कोशिश की नहीं हो पाया लेकिन ये दूसरी बात दूसरी बार ये रिकवर होने की कोशिश कर रहा है और इस बार ये स्टॉक सफल होकर भी रहेगा और इसका टारगेट भी लंबा बताया जा रहा है तो ये दो स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो अब देखिए मैं आपको इतना ही बोलूंगा दुनिया बदल चुकी है पूरी तरीके से और अभी तक जितना भी होना था धीरे धीरे रिकवर हो चुका है निफ्टी ट्वेल्व थाउजेंड के आसपास आ चुका है और हमें क्या चाहिए निफ्टी जहां से गिरना स्टार्ट किया था बिफोर कोविड 12,000 के आसपास था और आज ये दोबारा 12,000 पे पर आ खड़ा हो चुका है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी डर रहे थे जब मार्केट गिर रहा था तो अब जब मार्केट पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है पूरी तरीके से तो भी लोगों को डर लग रहा है देखिए मैं आपको बोलूँगा जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ पर पैसा नहीं बन सकता अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप एफ करवा सकते हो फिक्स डिपॉजिट बैंक में जाके एक फिक्स डिपॉजिट करवा दीजिए कोई टेंशन नहीं आपको वहाँ पर जितना बताया गया उतना आपको पैसा मिल भी जाएगा अगर नहीं मिला तो आप क्लेम भी कर सकते हो लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा या तो बिजनेस कीजिए या कहीं पर भी तो इसी तरीके से मैं आपको बोलूंगा निफ्टी पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है क्या हम रिकवर हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं तो इस वजह से अच्छे स्टॉक पर अभी से भी नजर रखना स्टार्ट कीजिए आपको पैसा बनना स्टार्ट करेगा और बाकी आप देख ही सकते हो दिवाली के लिए जो मैंने आपको बताया दो स्टॉक अच्छे वाले हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो अपना डिमिट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप अपना डिमिट अकाउंट एंजल ब्लॉक में ओपन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में देखिए अगर आपको फ्री में दिया जाएगा तो साथ साथ आप लोगों को धीरे धीरे नॉलेज भी मिल जाएगा वैसे भी एंजल जीरो जैसे जो प्लेटफॉर्म है ये अच्छे वाले प्लेटफॉर्म जहां पर पर आप आपका पैसा दोनों सेफ है यहाँ पर एक ग्रुप है जहां पर आपको बताया जाता है क्या खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए इंट्राडेटे फ्यूचर ऑप्शन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये सब कुछ आपको बताया जाता है तो डिमिट अकाउंट फ्री में डिलीवरी चार्जेस फ्री में ये ग्रुप में आप लोग को नॉलेज वगैरह टिप्स वगैरह आपको दिया जाता है केवल ट्वेंटी रुपीज़ आपसे लिया जाता है वो भी इंट्रा डेट रेट में जो हर जगह लगता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके आप अपना डिमिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है